उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में भारतीय किसान यूनियन भानु की जिला स्तरीय मासिक पंचायत कृषक विश्राम गृह मंडी परिषद पीलीभीत में जिला अध्यक्ष भजनलाल क्रोधी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। पंचायत में जिला खाद्य विपणन अधिकारी को 5 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा गया। पंचायत का संचालन तहसील अध्यक्ष नंद किशोर राठौर द्वारा किया गया। पंचायत को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष भजनलाल क्रोधी ने कहा कि सरकारी धन के क्रय केंद्र मालिकों एवं जिला खाद्य विपणन अधिकारी की मिलीभगत के कारण धान तुलवाने के नाम पर 200 रुपए कुंतल लिए जा रहे हैं। ये गलत है, इसे तत्काल प्रभाव से रोका जाए। पंचायत को संबोधित करते हुए जिला महामंत्री अशोक राठौर ने कहा कि आरएफसी के अलावा अन्य एजेंसियों के धान केंद्र नाम मात्र के खुले हैं, वहां कोई खरीद नहीं हो रही है। किसके लिए ना पता कि मंडी समिति में कोई भी किसान का पैसा नहीं जाता, फिर भी 2% 1.5% नहीं। एक कुंतल अगर मसूर तुम्हारी 4,000 की बिकी तो उनके आप लगा लो 2% के हिसाब से 800 रुपया उनकी आदत हो गई। कोई किसान कहे थे कि काय बात की आदत है, कोई ना चिल्ला। गन्ना में मेरे लिए 20-25 साल रह गई। गन्ना की बात कहते हमेशा कहता हूँ खड़ी तोले चलते है, हर साल विरोध कर मैंने जाकर लोगों को गिरवाओ पट प्लाटन पर गन्ना। साथियों, आज 1 तारीख को मासिक पंचायत में हमारे संगठन के जिला अध्यक्ष आदरणीय भजनलाल क्रोधी जी के नेतृत्व में 1 दिवसीय किसान पंचायत का मंडी समिति पीलीभीत में बैठक बुलाई गई थी। बैठक में 5 सूत्रीय ज्ञापन पर किसान पंचायतों की सहमति बनी और जिन अधिकारियों ने और जिन भ्रष्टाचारियों किसानों के साथ शोषण और नौजवानों के साथ शोषण किया है उनको सबक सिखाने के लिए भारतीय किसान यूनियन एक जोरदार प्रदर्शन के साथ आज अपनी मांग संगठन के द्वारा जिला अधिकारी महोदय के नाम ज्ञापन भेजा है। इस ज्ञापन में 5 सूत्रीय कार्यक्रम है। पात्र प्रधानमंत्री आवास योजना में जो माताएं बहनें विधवा उनके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाए जाने की, आवारा पशुओं को जो सड़कों पर देखने को मिल रहे हैं, गौशाला क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जो उनके भरण पोषण के लिए जो धनराशि उपलब्ध हो रही है उसका सदुपयोग ना करते हुए वो केवल अपना परिवार चलाने के लिए काम करते हैं जिससे आवारा पशुओं को संरक्षण मुहैया नहीं हो रहा है। दूसरा, अगर ये ऐसे भ्रष्ट पशुपालन संचालक अगर ये व्यवस्था देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।